आज हम बनाने जा रहे हैं चैपल पुलसु। इसे तेलुगु में बोला जाता है और इंग्लिश में हम इसे टैमरिंड फिश करी बोल लेंगे और हिंदी में हम इसे खट्टे में इमली का मछली का सब्जी बोल लेंगे। तब मैंने सबसे पहले एक फ्राइंग पैन में 2 टेबलस्पून ऑयल को गर्म कर लिया है। अब मैं इसमें 1/2 टीस्पून सरसों, 1/2 टीस्पून जीरा और 1/2 टीस्पून मेथी के दाना डाल ले रही हूँ। इसे अच्छे से फ्राई कर लें। ध्यान रखिएगा मेथी का दाना ज़्यादा मत डालिएगा वरना कड़वापन आ जाएगा सब्जी में। अब मैंने 2 बारीक कटे हुए प्याज को इसमें डाल लिया है। प्याज को अच्छी तरह से भून लेंगे। प्याज को मीडियम फ्लेम में आप अच्छी तरह से भून लें। प्याज के अच्छे से भूनने के बाद हम इसमें फ्रेश करी लीव्स ऐड कर लेंगे। ध्यान रखिएगा फ्रेश रहना चाहिए करी लीव्स, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है चैपल पुलसु करी में। तो ये बेसिकली ये जो करी है साउथ इंडियन करी है। आप इसे अपने घर में ज़रूर बना के मुझे ट्राई करके ज़रूर बताइएगा। तो चलते हैं करी की तरफ। तो अब मैंने इसमें 4 हरी मिर्ची को काट कर डाल लिया है। इसे भी अच्छे से मिला लें। अब मैं 2 टेबलस्पून सॉल्ट डाल रही हूँ। हम सॉल्ट ज़्यादा डाल रहे हैं क्योंकि हम इसमें टैमरिंड जूस ऐड करेंगे यानी इमली पानी। अब मैंने 1 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टेबलस्पून टर्मरिक पाउडर एंड 1 टेबलस्पून कोरिएंडर पाउडर डाल लिया है। मसाले को भी हम 2 मिनट अच्छे से भून लेंगे। मसाले का कच्चापन चला जाना चाहिए। तो ये बेसिकली खट्टे में बनता है ये करी, इसे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। अब मैं इसमें 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट डाल ले रही हूँ। इसे भी अच्छे से भून लें। अब हम उसे इसमें टैमरिंड जूस डालेंगे। मैंने 1 बाउल ऑफ टैमरिंड जूस डाला है यानी इमली पानी डाला है। याद रखिएगा ज़्यादा पानी मत डालिएगा वरना ज़्यादा करी खट्टा हो जाएगा। तो मैंने सिर्फ 1 बाउल डाला है टैमरिंड जूस। अब इसे भी अच्छे से मिला लें। अब हम इसको लीड लगा के 5 मिनट तक अच्छे से बॉईल आने तक पका लेंगे। मैंने थोड़ा सा पानी ऐड किया है, मुझे लगा कि खट्टा ज़्यादा हो गया है। तो अब हम इसे 5 मिनट के लिए बॉईल होने देंगे। ध्यान रखिएगा अच्छे से बॉईल होने के बाद ही इसमें फ़िश डालिएगा वरना फ़िश टूट जाएंगे या फिर ओवर कुक हो जाएंगे। तो अब हमारा फ़िश हमने अच्छे से धो के रख लिया है साइड में। अब देखिए अच्छे से बॉईल आ चुका है इसलिए मैंने अब इसमें 1 टेबलस्पून गरम मसाला पाउडर ऐड कर लिया है। आपके पास जो अवेलेबल हो वो डाल लेना। उसके बाद मैं इसमें फ़िश डाल रही हूँ। मैंने इसे अच्छे से वॉश कर लिया था। अच्छे से साफ़ कर लीजिएगा फ़िश को। मैंने 900 ग्राम्स ऑफ फ़िश इसमें डाल लिया है। मैंने रोहू फ़िश यूज़ किया है। तो हम इसे डाल लिए हैं। याद रखिएगा फ़िश डालने के बाद अब इसे ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से मत हिलाएगा वरना पीसेस टूटने लगेंगे। अब हम इसे लीड लगा के 5 मिनट के लिए पका लेंगे अच्छी तरह से। तो आप देख पा रहे हैं फ़िश हमारा लगभग कुक हो चुका है। तो आप इसे ज़ोर ज़ोर से मत हिलाइएगा वरना फ़िश के पीसेस टूट जाएंगे। अब मैंने थोड़े से कोरिएंडर स्प्रिंकल्स कर दिए हैं ऊपर। तो ये बिल्कुल हमारा बनकर तैयार है चैपल पुलसु करी, जिसे हिंदी में आप बोल सकते हैं खट्टा फ़िश की सब्ज़ी भी बोल सकते हैं, इसे फ़िश टैमरिंड फ़िश करी भी बोल सकते हैं। तो अभी मुझे इसे ट्राई करके ज़रूर कमेंट सेक्शन पे बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।